सर हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था, वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है, बोलने दीजिए, संक्षिप्त में मैं बयान देना चाहते, उनका सेहत खराब है लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहे हैं, ये क्या अन्याय हो रहे हैं। सर दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर दूसरी बात, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपी को वहां रुकवा गया। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपी को यहाँ किराए में लाते हैं, ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहां सामान्य है। मैं सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी से पूछता है, आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? आप लोग श्रीनगर जा सकते, आप लोग कश्मीर जा सकते, ये हम सब एमपी के लिए अपमान है, ये हम सब के लिए एक वंचना शिकार होते हैं हम लोग। सर जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया, ये इंटीग्रल, ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। यूरोप से आप किराए के टट्टू को लाते हैं। सर हालत ऐसा हो गया कि हुआ सर बाहर के लेबर खून होते हैं, आर्मी की जवान जान गंवाते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट से 5 लेबर खून हो चुके हैं, खून बंद नहीं हुआ, आर्मी की जान गंवाना बंद नहीं हुआ, तो किस तरीके की हालात सामान्य की बात किया जा रहे हैं। सर अंतिम में ये क्या किया सर जानते हैं? ऑपरेशन तो कर दिए हैं लेकिन मरीज नहीं बचे, ऑपरेशन इज डन, पेशेंट इज डेड। आपने कहा था कि हम कश्मीर को सुधारेंगे, एक के बाद एक सदन के अंदर हमें गुमराह करने के लिए। प्लीज मैं आपने मौका दिया, मेरी बात सुने आप। सर हम चाहते हैं कि इस विषय पे सर यह पूरा चर्चा हो। सर हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया, क्यों विपक्ष लोगों को इस तरीके के अपमान किया जा रहा है? क्या कसूर है हमारा कि सोनिया गांधी जी, जिस गांधी फैमिली हिंदुस्तान के लिए जान गंवाए हैं, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जान गंवाए हैं, वो गांधी परिवार की सुरक्षा इस ढंग से उठा लेना की सही है? दिन तक जिंदा था, दिन तक उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था। मैंने आपको मौका दिया है माननीय सदस्य, इसलिए हम चाहते हैं, एक मिनट मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। हम लोग माननीय सदस्य, प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, माननीय सदस्य पेश किया जाए और हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा मांगते हैं। भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पंजाब में एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। दुख की बात है कि पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो छुट्टियां मनाने यूरोप गई है, वो शिकार खेलने गए हैं और पंजाब में दरिंदे इंसानियत का शिकार कर रहे हैं। ये मेरी कंस्टिट्यूंसी में संगरूर जिले के चंगाली वाला गांव में एक दलित नौजवान को बहुत ही दरिंदगी से मार दिया गया, पलाश से उसके मांस को नोच नोच कर और ऊपर तेजाब छिड़क कर जब उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया गया। ऐसी क्रूरता पंजाब में जो घटी है। अब सर लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनका परिवार जो है वो पीजीआई में बैठा है, वो मांग कर रहे हैं 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और वो पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब में कोई डिसीजन मेकर नहीं है, कोई फैसला लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 बार फोन किया, अध्यक्ष जी
उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई डिसीजन ले सकता हूं क्योंकि सीएम साहब बाहर गए हुए हैं, और मैं आग्रह करता हूं कि होम मिनिस्ट्री इमीडिएटली इंटरफेयर करे। वो गरीब परिवार है और लोग सड़कों में संगरूर में भी बैठे हैं और चंडीगढ़ में परिवार धरने पर बैठा है। बात करने के लिए सरकार के पास कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसा पंजाब में बहुत कम देखा गया है कि पंजाब को लावारिस छोड़कर हमारी सरकार घूमने गई है यूरोप में। और मैं आपके जरिए आग्रह करता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि कृपया अधिकारियों को पंजाब सरकार को आदेश दें कि उस परिवार को 50 लाख रुपए, जगमेल सिंह जिसका नाम है, उसके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देकर और आगे से ऐसी मिसाली सजा हो कि आगे से ऐसे किसी दलितों पर या गरीबों पर या आम लोगों पर ऐसी दरिंदगी करने की कोई सोच भी ना सके। सो पंजाब के संगरूर के चंगाली वाला गांव की घटना है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं वो संज्ञान लें। पंजाब सरकार तो छुट्टियों पर गई हुई है, पंजाब इस वक्त लावारिस है। कृपया एक मिनट में बात कीजिए।